जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सीआईसीएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का है हमारा सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपको कुछ रूल का संबंध में बताया गया था, और आज भी आपको कुछ रूल का संबंध में बताया जाएगा। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन या प्रीपोजिशन को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम बुकिस्ट नॉलेज को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बुकिस्ट नॉलेज तो आप तो पढ़ तो लेंगे मगर उसको याद नहीं रहेगा। तो कैसे आपको प्रीपोजिशन को तैयार करना है, फर्स्ट क्लास में आपको दिखाया था, अभी सेकंड क्लास में आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, कट द एप्पल डैश ए नाइफ। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, कट द एप्पल डैश ए नाइफ। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है प्रीपोजिशन का, तो आपको इसी में से किसी एक को आंसर मतलब आपको देना है। तो सभी को पता है कि इसमें सभी को क्या है, सभी ने देगा कि विथ ही आएगा, मगर विथ आएगा तो क्यों आएगा, इसका बारे में जानकारी लेना है। तो देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे हम दे के रखे हैं। कभी भी कोई टूल्स, इंस्ट्रूमेंट या वेपन अर्थात हथियार जैसे आ जाएगा सेंटेंस में, तो आपको उसके साथ में विथ ही लगाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी आपका आ जाता है तो आपने क्या करिएगा, उसके साथ में विथ लगा दीजिएगा। जैसे देखिए, आपको मैं यहाँ पे दो आपका क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, सी ऑलवेज राइट्स डैश से पेंसिल, मतलब वो सर्वदा लिखता है डैश से पेंसिल। मतलब पेंसिल यहाँ पे क्या हो गया, पेंसिल यहाँ पे हो गया आपका टूल्स हो गया, ये टूल्स हो गया, तो इसके साथ क्या चला जाएगा, विथ आ जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कॉम्पास। इसमें क्या, कॉम्पास आपका क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो कॉम्पास आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो क्या आ जाएगा, उससे पहले आपका विथ आ जाएगा। तो आप शायद ये जो क्वेश्चन है और करने का फॉर्मूला भी आप इसको समझ पाए होंगे। तो आप इसका जो पीडीएफ आपको हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से जाके इसको पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप शायद समझ गए होंगे। चलिए, आप नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन है कि द बुक डैश द टेबल इज माइन। इसमें आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है कि द बुक डैश द टेबल इज माइन, मतलब इसमें आंसर क्या आएगा। तो सभी ने इसको देंगे आंसर देंगे कि ऑन, मगर ऑन जो होगा क्यों ऑन होगा। देखिए, ऑन क्या होता है, ऑन मतलब भी ऊपर में होता है, अबव मतलब भी ऊपर में होता है, ठीक है, और ओवर मतलब भी ऊपर में होता है, तो इसमें ऑन ही क्यों होगा, क्योंकि आप बोलेंगे हमारा ऑप्शन में ऑन है तो ऑन हो। सपोज आपका ऑप्शन में चारों दिया रहता, जैसे ऑन, अबव, ओवर, ये दिया रहता है, तीन दिया रहता, तो आप क्या करते उस टाइम। आपको इसके लिए क्या है, आपको रूल को डिटेल्स में पता होना चाहिए। इसीलिए क्या है, बुक में तो बहुत सारा तरीके से आपको समझाया, मगर मेरा तरीका कुछ हटके है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाया, ये देखिए एक टेबल है, और टेबल का ऊपर में एक किताब है, तो जब टेबल का ऊपर में कोई किताब रहेगा ऊपर का अंत में, तब होगा ऑन। जैसे आपको बोलेगा टेबल का नीचे एक रैट है, तो उसके में क्या होगा, अंडर, क्योंकि टेबल का नीचे है। अभी देखिए, आपको बोलेगा पंखा, जैसे आपका पंखा ऊपर में घूम रहा है, तो पंखा क्या हो रहा है, ये ऊपर में है, मगर देखिए ये है आपका दीवार, दीवार के साथ ये कनेक्टेड है, तो ये क्या है, वो क्या है, घर का मतलब दीवार के साथ कनेक्टेड है, इसलिए अबव। ठीक है, अभी देखिए एरोप्लेन, एरोप्लेन आपका क्या होता है, एरोप्लेन आपका घर का ऊपर से चलता है, तो क्या करता है, घर का ऊपर से जाते हैं अर्थात कवर करता है, तो कवर अर्थ में क्या होता है, ओवर। तो ये शायद आप समझ पाए होंगे। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, ताकि आपको और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है हमारा एग्जांपल, ये आपको तीन एग्जांपल हम लेके आए हैं। एक देखिए क्या है, फर्स्ट वाला है द रैट हाइड डैश द टेबल होता, तो ये अंडर का टेबल होता, क्योंकि एक चूहा क्या, टेबल का नीचे छुपा हुआ है, तो टेबल का नीचे अर्थ में क्या होता है, आपका रैट, रैट का जो है अंडर होगा। ठीक है, अभी सेकंड देखिए क्या, द एरोप्लेन फ्लो ओवर द बिल्डिंग, ये डैश बोलने से ओवर इसलिए है, द एरोप्लेन फ्लो मतलब वो जा रहा है डैश द बिल्डिंग,
मतलब वो बिल्डिंग को कवर करते हुए जा रहा है, तो ओवर द बिल्डिंग। अभी देखिए जो तीसरा नंबर है, देयर इज ए फैन डैश माई हेड, मतलब एक फैन है वहाँ पे, एक फैन है वो माँ मेरा सिर का ऊपर में है। तो ये है मेरा सिर है, इसका ऊपर में फैन घूम रहा है, इसका मतलब दीवार के साथ वो कनेक्टेड है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अबव। देखिए और एक क्या है, कभी कभी बिलो, बी अंडर मतलब भी नीचे होता है आपका, और बिलो का अर्थ भी होता है नीचे होता है। तो बिलो कब यूज होता है, बिलो यूज होता है जब आपका, ये देखिए ये बिलो, बिलो तब यूज होता है जब आपको रैंक, डेजिग्नेशन या लेवल, ये आ जाएगा रैंक, आपका डेजिग्नेशन या आपका लेवल आ जाएगा, तब आपका क्या होता है, बिलो का यूज होता है प्रीपोजिशन। तो आप शायद समझ पाए होंगे, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन कराए मगर आपको क्या बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। एक तो आपका क्या हो गया, ऑन का क्लियर हो गया, दूसरा आपका विथ का हो गया, अबव का हो गया, ओवर का हो गया, अंडर का हो गया। तो अभी आपको शायद लग सकता है कि इतना छोटा छोटा क्लास क्यों किया जा रहा है, इस चीज़ का फायदा आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा तब आपको पता लगेगा। तो इस क्लास को कैसे लगा आप बताइएगा, मेरा क्लास अच्छा लगने से क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए जय हिंद।